नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेफड़ों को स्वस्थ रखने की, साफ रखने की या डिटॉक्स करने की। शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फेफड़ों का साफ होना, फेफड़ों का सुचारू रूप से कार्य करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि फेफड़े ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का अति महत्वपूर्ण काम करते हैं। यदि फेफड़ों में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट, उनकी जो स्थिति है, कईयों अस्थमे के मरीज केवल इस कारण से उनकी डेथ हो जाती है, क्या वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन को नहीं ले पाते। ऑक्सीजन की कम मात्रा होने मात्र से आपके कई सारे जो अंग है वो काम करना छोड़ सकते हैं, पूर्णता खराब हो सकते हैं, किडनी, लीवर या लकवा भी आपको हो सकता है। यदि आपके फेफड़े सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, पूर्णता स्वस्थ नहीं है, तो ये बहुत सारी समस्याओं का कारण हो सकता है, यहां तक कि आपकी मृत्यु का भी कारण हो सकता है। अगर शरीर के अनंगों की बात करें तो उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण फेफड़ों का है। तो फेफड़ों को कैसे हम नियमित रूप से, सुचारू रूप से चला सके, चाहे दबे के पेशेंट हो या इस धूल भरे वातावरण में, पॉल्यूटेड माहौल में आप रहते हैं, मेट्रोज में आप रह रहे हैं, तो वहां पर जो स्थिति है उसके बावजूद किस तरीके से हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख पाए और उसको सुचारू रूप से चला पाए, इसके लिए जरूरी है फेफड़ों को समय समय पर डिटॉक्स करते रहना। इसके लिए मैं आज आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा, कुछ औषधि बताऊंगा जिनका प्रयोग करके, एक चाय भी बताऊंगा जिसके उपयोग से निश्चित तौर पर आप फेफड़ों को डिटॉक्स कर पाएंगे, स्वस्थ कर पाएंगे। इसके अलावा फेफड़ों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, गले की बीमारियां, इन सभी को आप ठीक कर पाएंगे सिर्फ मात्र इस चाय के हफ्ते में एक बार सेवन से। आपके फेफड़े पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ में कई सारे प्रदूषित कण हमारे शरीर में, फेफड़ों में आ जाते हैं, जिनकी वजह से सांस की बीमारी होती है। एलर्जी की मुख्य समस्या जो है उसका कारण होता है पॉल्यूशन, और कई बार एलर्जी जानलेवा भी हो जाती है। तो इससे जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए लहसुन बहुत फायदेमंद होता है। ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। यदि आयुर्वेदिक जो चिकित्सक होते हैं उनकी माने तो लहसुन का नियमित सेवन करने से एक विशेष तरीके से अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी तक खत्म हो सकती है। अभी का जो मौसम है उसमें यदि आप सिर्फ लहसुन लेना चाहें तो इसको दूध में उबाल कर लें, अन्यथा ये आपको गर्मी करेगा, आपको छाले हो सकते हैं, पेट में गर्मी हो सकती है। तो लहसुन का जो लोग प्रयोग करना चाहे वो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं एक काढ़ा बनाने की, एक चाय बनाने की विधि। इस चाय को आपको सुबह फ्रेश होने के बाद में खाली पेट इसका सेवन करना है। इसमें आपको दो कली लहसुन की पीस करके एक गिलास पानी में, चाहे तो आधा गिलास ले लें, एक कप से शुरुआत करें, मिनिमम से शुरुआत करें। यदि आपको कोई इससे समस्या नहीं आती है, अभी गर्मी का सीजन है और ये गर्म होती है, तो इसको कम मात्रा में शुरू करें। यदि आपको इससे कोई और विशेष समस्या नहीं होती है, गर्मी की, छाले की या अदर टाइप की कोई, जैसे सिरदर्द वगैरह कुछ होता है, पेट में जलन, तो इस प्रयोग को ना करें। इसको आप सर्दी में कर सकते हैं फिर, या फिर कम मात्रा में ले लें, चाहे तो इसको आधा कप भी ले सकते हैं, कम से कम मात्रा में शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे ये आपको, आप जैसे इसके एडिक्ट होते जाएंगे, शरीर इसको, बॉडी को सूट करने लगेगा, तो फिर आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। तो इसके लिए आप कम मात्रा में शुरू करें, एक कली ले लें लहसुन की, इसको पीस करके आधा गिलास पानी में डाल लें। इसके बाद में पेपरमेंट की दो पत्तियां ले लें और उनको इसी पानी में डाल दें। इसके अलावा एक टुकड़ा या चाहे तो एक चुटकी बुलेटी का पाउडर ले लें, इसको डाल दें इसमें। इसके साथ ही अदरक का रस लगभग आधा चम्मच, आधे से भी कम चम्मच। इसके अलावा थोड़ा सा शहद ले लें,
शहद चाहे तो एक चम्मच ले लें, आपको पीने में टेस्ट अच्छा आएगा। और शहद भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है इस नुस्खे के लिए। तो इन चारों को आप आधा गिलास पानी में मिला लें और उसको उबल लेते हैं। लगभग 10 मिनट उबालने के बाद में उसको छान लें, वो लगभग आपका एक कप के समथिंग ही बाकी रह जाएगा। तो उसको फिर धीरे धीरे हल्के गर्म मात्रा में, ज्यादा गर्म ना हो इसका ख्याल रखें, हल्का गर्म हो जिससे आपके फेफड़ों की सिकाई भी हो सके, गले की सिकाई हो सके, साथ ही इसको धीरे धीरे पिए। लगभग 10-15 मिनट में इस एक कप को पूरा खत्म करें। इस प्रयोग को आप करेंगे हफ्ते में एक बार, करने से ही आपके फेफड़ों को ये पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देगा। बहुत ही रामबाण नुस्खा है फेफड़ों की समस्या के लिए। इसके अलावा अनार का भी उपयोग कर सकते हैं, ये फेफड़ों में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको साफ करता है। अनार के दाने खाएं दिन में एक बार नियमित, कम से कम एक हफ्ते तक। इससे आपके फेफड़े साफ होंगे, साथ ही आपकी जो खून की कमी है वो भी खत्म होगी। पानी का अधिक मात्रा में सेवन करें इस प्रयोग के साथ में, चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा वैसे ही सामान्य या एक आदत बना लें, पानी का अधिक सेवन करें यदि आप फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से शरीर में जो टॉक्सिन हो जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फेफड़े भी साफ हो जाते हैं। तो ये थे कुछ साधारण सामान्य घरेलू उपाय जिनसे आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी को जी सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर करें, ये जरूरी चीज है, और भी लोगों को इसका फायदा उठा देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।